मोटिवेशनल स्पीकर मुनावर जामा को तेलंगाना टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। मोटिवेशनल स्पीकर मुनावर जामा को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना टास्क फोर्स ने मुनावर जामा के साथ साथ महाराष्ट्र के दो होटल मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों को महाराष्ट्र से हैदराबाद लाया जा रहा है। एक निजी न्यूज वेबसाइट पर मुनावर जामा की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। गौरतलब है कि तीनों की गिरफ्तारियां सिकंदराबाद पासपोर्ट कार्यालय के पास एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने से जुड़ी है। ये घटना 13 से 14 अक्टूबर की रात को हुई थी, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर मुनावर जामा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद से ही तेलंगाना टास्क फोर्स को मुनावर जामा की तलाश थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य आरोपी मुंबई का सलमान ठाकुर महाराष्ट्र के मेट्रोपोलिस होटलों में से एक कमरे में ठहरा हुआ था, जहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। पुलिस ने मामले के सिलसिले में ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजी विकास कार्यक्रम के आयोजकों ने कई होटल के कमरे किराए पर लिए थे। वहीं बीजेपी की तेलंगाना इकाई के नेताओं ने सोमवार को मंदिरों पर हमलों को रोकने के लिए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से हस्तक्षेप करने की मांग की। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में मंदिरों पर हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सिकंदराबाद में मुतला माँ मंदिर की घटना के बारे में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा और उनसे मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने की अपील की। नेताओं ने हिंदू संगठनों के नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की भी निंदा की। सांसद इताला राजेंद्र के विशेश्वर रेड्डी एम रघुनंदन राव, तेलंगाना विधानसभा में भाजपा के नेता ए महेश्वर रेड्डी और अन्य नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। न्यूज रिपोर्टिंग सोर्सेस जी न्यूज हिंदी।